हेलो लेजेंडरी गेमर्स। तो गाइस गेम के अंदर अवेलेबल हो चुका है न्यू डायमंड टॉप अप इवेंट, जहां पर हम लोग को दी जा रही है ग्लोवाल की स्किन, साथ में गाइस लूट बॉक्स की स्किन एंड यार एक दिया जा रहा है ये ब्लूप्रिंट। तो गाइस मैंने गलती से डायमंड टॉप अप कर लिया था एंड यार मुझे सारे के सारे आइटम मिल चुके हैं। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कलेक्शन में। तो गाइस कलेक्शन में मुझे मिल चुका है लूट बॉक्स की स्किन एंड चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो लूट बॉक्स कैसा एंड क्या आप लोगों को डायमंड टॉप अप करनी चाहिए फिर नहीं करनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस देख सकते हो लूट बॉक्स कुछ ऐसी निकल कर सामने आई है। एंड हाँ भाई लोग, ये जो लूट बॉक्स है बिल्कुल इनक्यूबेटर की जो बंडल है उसी के थीम पर बेस्ड है ये लूट बॉक्स। एंड यार नाम भी लूट बॉक्स का वही रखा गया, स्वॉर्ड्समैन लेजेंड्स लूट बॉक्स। ओके तो एक वाइप कर लिया जाए एंड गाइस वेपन में चलते हैं, आर्मरी सेक्शन में चलते हैं एंड यार यहाँ पर चलते हैं ग्रेनेड में। एंड गाइज मैं आपको दिखाता हूँ ग्लोवाल की स्किन। तो गाइज ग्लोवाल की स्किन निकल कर सामने आई है कुछ है। आप लोग देख सकते हो गाइज ग्लोवाल की स्किन क्या ही जहर, क्या ही खतरनाक, क्या ही कमाल की लग रही भाई लोग। एंड यार ट्रेनिंग मोड में अभी हम लोग लगा कर देखेंगे ग्लोवाल की स्किन कैसी है। लेकिन गाइज एलिट पास प्री ऑर्डर भी अवेलेबल हो चुकी है एंड यार नेक्स्ट मंथ के एलिट पास में क्या प्री ऑर्डर में दिया जा रहा है चलो उसको देख लेते हैं। एंड गाइज यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब क्या बात है यार, पेन की स्किन दी जा रही है प्री ऑर्डर में एंड ये दोनों मेन बंडल गाइज आप लोग देख सकते हो, ये है एक मेन बंडल एंड यार ये है एक मेन बंडल, ये दोनों बंडल निकल कर सामने आए, क्या बात है भाई साहब ओपी। तो चलो जल्दी से कर लिया जाए एलिट पास को परचेज। ओके कांग्रेचुलेशंस। तो गाइस हमें मिल चुकी है भाई, क्या एनिमेशन है भाई, देख सकते हो यार आंख देख सकते हो भाई क्या लग रहा है भाई साहब ओपी, भाई साहब ओपी क्या ही जहर लग रहा है गाइज, बहुत ही कमाल का निकल कर सामने आया है गाइज ये पेन की स्किन। एंड चलो यार जल्दी से इसको एक्वाइप कर लिया जाए। ओके तो गाइज हम लोग आ चुके हैं आर्मर सेक्शन में एंड ये रहा गाइज मेले एंड भाई साहब चलो जल्दी से मेले को कर लिया जाए वाइप। एंड गाइज क्या ही कमाल का मेले लग रहा भाई। एंड भाई लोग लकी स्टार से तो हम लोगों ने ये बंडल निकाला ही नहीं, तो यार इस वाले बंडल को भी हम लोग निकालेंगे एंड यार देखते हैं हम लोग कितने ज़्यादा डायमंड का लोल होता है, उसके बाद यार एक गेम प्ले भी करेंगे इस वाले पेन के स्किन के साथ एंड ग्लोवाल की स्किन भी तो आप लोगों को दिखानी है। चलो यार जल्दी से ये ब्लैक वाली बंडल निकाली जाए। 2000 years later ओके तो चलते हैं जल्दी से इवेंट सेक्शन पर एंड यार देखते हैं कितने ज़्यादा डायमंड का यहाँ पर लोल होने वाला। गाइज ये म्यूजिक कितना परेशान करता है। वैसे प्राइस पॉल यहाँ पर क्या क्या है, ओ भाई साहब बंडल तो सही सही है यार एंड यहाँ पर इमोट भी अवेलेबल सही है एंड क्या क्या चीज़ें, चलो ठीक है रॉयल वाउचर्स भी है एंड ये टट्टी चीज़ है लोल टट्टी आइटम ज़्यादा है यहाँ पर। एंड यार हम लोग को स्टार्स कलेक्ट करने हैं एंड देन जाकर मिलेगा हमें ये लकी वाली बंडल। चलो गाइज पहले स्पिन करते हैं हमारे सब्सक्राइबर का डायमंड, गाइज देखते हैं क्या निकलता है। कमॉन भाई साहब कितने स्टार्स हमें मिलेंगे, एक स्टार, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन मैन, अबे पागल बावड़े, ये भाई एक स्टार दे रहा है भाई, गाइस देख रहे हो वो भाई साहब गाइस एक एक स्टार, अबे यार क्या ही लूट रहे गाइस, एक स्टार दो स्टार के अलावा कुछ ये लोग दे ही नहीं रहे भाई साहब, क्या ही जहर लूट रहे गाइस, क्या ही जहर लूट रहे, देख रहे हो भाई एक स्टार के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा गाइस, ओ भाई साहब यार क्या जहर लूट रहे भाई, देख रहे हो गाइस कितना जहर तरीके से लूटा जा रहा है, देख लो 10 spin मैंने किया, ओ भाई साहब चलो 3 star मिला, मतलब क्या 10 spin में देख लो बार बार एक ही स्टार मिल रहा है एंड गलती से एक बार 3 star मिल गया। एंड गाइस देख सकते हो आप लोग भाई क्या ही टट्टी आइटम दिए भाई, मजा आ गया देखकर भाई, मजा आ गया सीरियसली भाई क्या ही टट्टी आइटम लोगों ने दिया। एंड 13 star हम लोग के पास कलेक्ट हो गए, 10 spin मारा मैंने 180 का, हमारे पास 13 star कलेक्ट हुआ एंड देखते हैं यहाँ पर कितना स्टार मिलता है, फिर से 1 star ओपी ओपी भाई 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 ओ भाई साहब गाइस 5 star एक बार में, 1 spin में 5 star ओपी भाई साहब, चल मैं फिर से 1 spin मारूंगा भाई, क्या बात है यार जहर बच गया गाइस, जहर बच गया ओपी, ये ले भाई ये बावड़ियत कर रहा है भाई सीरियसली डूड। ओके 10 की spin मारूं एंड देखते हैं कितने स्टार्स हमें मिलते हैं। ओके 1 star मिला पहले स्पिन पर, 1 star एंड लो भाई दूसरे स्पिन पर फिर से 1 star एंड चलो देखते क्या होता है, फिर से 1 star यार कितने ज़्यादा 1 star मिल रहे भाई सीरियसली, भाई सीरियसली फिर से 1 star ओ भाई साहब ओपी, भाई साहब ओपी देख सकते हो गाइस, मतलब 1 star के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा भाई, क्या ही बोले भाई हो भाई देख सकते हो गाइस 1 star के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा हम लोगों को, लो देख रहे हो गाइस यार 1 star 1 star 1 star के अलावा भाई गलती से 2 star या फिर 3 star ये लोग दे रहे, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ 1 star ही दे रहे गाइस, आप लोग देख सकते हो भाई कितने ज़्यादा डायमंड का लोल होगा और इन एवरेज आप लोग बोल सकते हो भाई साहब 1800 diamond आपके कहीं नहीं जा रहे हैं इस वाले बंडल को निकालने में, मतलब कि यार 1800 diamond सिर्फ इस बंडल के लिए कुछ ज़्यादा डिमांड हो रहा है यार, 1800 diamonds बहुत ज़्यादा होते। एंड चलो फिर से मैंने स्पिन मारा एंड देखते क्या निकलता है, चलो फिर से 1 star मिला है, ओके अगेन से 1 star फिर से 1 star मिला है हमें,
एंड ले भाई फिर से एक स्टार। यार भाई मैं देख देख कर परेशान हो गया हूँ, मुझे सीरियसली गुस्सा आ रहा है भाई, ये एक स्टार के अलावा कुछ दे ही नहीं रहा। अबे यार ऐसे इवेंट लाते ही क्यों, सीधा सीधा बंडल स्टोर सेक्शन में दे दो ना भाई, 2000 डायमंड में बंदे ऐसे ही ले लेंगे जिनको लेना होगा। ये फालतू के इवेंट क्यों लाते होगा इसमें समझ में नहीं आता यार, जब एक ही स्टार देना है तो ऐसा फालतू के इवेंट क्यों लाते। देख सकते हो यार सिर्फ एक एक स्टार दे रहे यार ये लोग। एनिमेशन में स्किप करता हूँ एंड सीधा मारता हूँ, तो देख सकते हो गाइस हम लोग को मिला है एक एक स्टार, फिर से एक एक स्टार। यहाँ पे गलती से दो दो स्टार मिल चुके हैं दो बार एंड फिर से एक एक स्टार। क्या टट्टी भाई सीरियसली। चलो मैंने 20% का ऑफ लगाया एंड फिर से मारते एक स्पिन एंड देख सकते हो गाइस एक एक स्टार। देख सकते हो भाई लोग एक स्टार के अलावा कुछ मिला ही नहीं भाई, गलती से यहाँ पर 3 स्टार इन लोगों ने दिया है लेकिन एक स्टार के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा। एंड चलो फिर से क्लेम कर लेते हैं एंड एक और डिस्काउंट हमें मिल चुका है। चलो फिर से मारा हमने स्पिन एंड चलो एक बार 4 स्टार मिला एंड फिर से वही हाल, एक एक स्टार एक एक स्टार एक एक स्टार। सीरियसली गाइस बहुत टट्टी इवेंट है, देख सकते हो गलती से यहाँ पर 4 स्टार मिल गए भाई। इतना सारा डायमंड यार नॉर्मल बंदे कहाँ से लाएंगे। चलो हम लोग यूट्यूबर है तो समझ में आती है भाई, चलो ठीक है, लेकिन यार इवेंट भी ढंग का देना चाहिए। ये बंडल भी मिल गई हमें अच्छी बात है, लेकिन इवेंट भी यार इतना सारा डायमंड खर्च करके सिर्फ एक बंडल कुछ समझ में नहीं आया, मुझे सेंस नहीं बनता सीरियसली। बहुत ज़्यादा डायमंड का लोल हो रहा है गाइस, देख सकते हो फिर से हमें एक एक स्टार दो दो स्टार मिली है। एंड चलो यहाँ पर हमारा थ्रेशहोल्ड हो चुका है कंप्लीट एंड ये लो भाई साहब गाइस देख सकते हो ये बंडल हमें मिल चुका है। एंड चलो यार जल्दी से बंडल को भी एक्वाइप कर लिया जाए, चलते हैं वॉलेट पर। एंड कहाँ गया हमारा बंडल, ये रहा गाइस हमारा बंडल, चलो इसको ओपन किया जाए एंड क्विक एक्वाइप किया जाए। यार इस बंडल की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यार इस बंडल के पीछे देख सकते हो विंग्स लगी हुई है एंड यार ये क्या बना हुआ भाई पिगी लोल। यार इस बंडल की विंग्स बहुत जहर लगी एंड यार ऐसा विंग्स ना गेम के अंदर जल्दी अवेलेबल होने वाली है डायमंड टॉप अप इवेंट में, लाइक बैकपैक बैकपैक ही होगी लेकिन ऐसी विंग्स बनी होगी एंड जल्दी डायमंड टॉप अप इवेंट में हम लोगों को इंडियन सर्वर में भी देखने को मिलेंगी। फिलहाल गाइस आप लोग कमेंट करके बता आप लोग को ये बंडल कैसा लगा एंड आप लोगों ने अभी तक इस बंडल को निकाला है या फिर नहीं निकाला है। एंड गाइस चलो जल्दी से स्टोर सेक्शन से खरीद लेते हैं हम लोग एलिट पास के बैजेस। यहाँ गाइस स्टोर सेक्शन में एलिट पास के बैजेस भी तो अवेलेबल हुए, 50 बैज अवेलेबल हुआ, तो इसको क्यों छोड़े, चलो जल्दी से इसको भी खरीद लिया जाए। मैक्स नहीं हो सकता क्या लोल, मैक्स होता तो ज़्यादा मज़ा आता, यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतना ही खरीद सकते हैं। चलो जल्दी से खरीद लिया जाए एलिट पास के बैजेस एंड भाई साहब एलिट पास के बैजेस मैंने ले लिया है एंड यहाँ पर और कुछ है नहीं, तो चलो जल्दी से एलिट पास का क्रेट को भी ओपन किया। एंड यार यहाँ पर 2 क्रेट्स अवेलेबल है, चलो इनको भी ओपन करके देखते क्या मिलता हमें। ओके क्या मिलेगा गाइज, हेलो टट्टी आइटम मिला। ओके तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं ट्रेनिंग मोड में। यार ये मेले एंड एक्वाइप कैसे हो गया लोल, चलो यार जल्दी से मेले को भी एक्वाइप कर लिया जाए। ओके ये था, ओके एक्वाइप ही था बट यहाँ पर शो नहीं हो रहा था। चलो गाइस जल्दी से चलते ट्रेनिंग मोड में एंड यार मैं आप लोगों को ग्लोल की स्किन भी दिखा दूंगा। एंड यार ये तो भाई जहर मचा ही रहा भाई साहब, क्या मस्त सा मेले वेपन निकल कर सामने आया यार, पेन की स्किन की एनिमेशन क्या ही जबरदस्त है भाई, देखकर मज़ा आ गया। एंड हाँ मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ आप एलिट पास प्री ऑर्डर कर सकते हो, इस बार जो आइटम दिया गया है अच्छा खासा आइटम दिया गया है। एंड हाँ कोई बुराई नहीं है, आप लोग पर डिपेंड करता है, अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो। एंड गाइस बंडल देख सकते हो भाई क्या ही जहर बंडल लग रहा है। एंड चलो जल्दी से यहाँ पर वेपन ले लिया जाए। एंड चलो मेरे पास मेले वेपन तो है ही, यहाँ से मैं 2 नली लेता हूँ एंड यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ एंड यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ एंड बस चलते जल्दी से ठुकाई करने बंदों की। और भाई रुक जा भाई। ओके तो भाई सबसे पहले हम लोग लेंगे ग्लोअल एंड मैं आप लोगों को ग्लोअल की स्किन दिखाता हूँ कैसा है। यार ये लोग घुसने ही नहीं दे रहे भाई, मार दे रहे भाई जहर वाली। ओके मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, इसको ले लेता हूँ ताकि मारे तो पेन पे मेरे पड़े। ओके नाइस, चलो स्ट्रैटेजी काम कर गई। ओके तो फाइनली यार ग्लोअल के पास हम लोग पहुँच चुके हैं, आई होप यहाँ पर कोई लौंडा हो ना। साला बावड़ा, अगर इसको नहीं मारता तो ये मुझे मारता। चलो यार ग्लोअल तो अपन लोगों ने ले लिया एंड चलो यार जल्दी से लगा कर आपको मैं दिखाता हूँ ग्लोअल की स्किन है कैसी। ओके देख सकते हो भाई लोग ग्लोअल की स्किन, गाइस आप लोग देख सकते हो ग्लोअल की स्किन। चलो यार बाहर जाकर एक बार लगाते हैं ग्लोअल की स्किन एंड देखते भाई कैसा लगता है। ओके चलो यहाँ पर लगाई जाए ग्लोअल की स्किन। ओके एंड ये रहा गाइस आप लोग देख सकते हो ग्लोअल की स्किन कैसी निकल कर सामने आई है गाइस। हो भाई साहब चलो अब थोड़ा सा बंदों को पेला जाए पेन से। जी हाँ गाइस आज हम लोग बंदे को पेन से पेलने वाले ए भाई। ओके तो गाइस ग्लोअल की स्किन आप लोगों ने देख ली एंड यार पेन से थोड़ी सी बंदों की कुटाई की जाए, देखता हूँ मार पाता हूँ कि नहीं किसी को पेन से। एंड यार बहुत गंदी वाली कुटाई मेरे होने वाली है। ओके लेट्स ट्राई तेरी भैंस की, अबे मार दिया लोल डेजर्ट से पेल लिया बंदे ने भाई, डेजर्ट से पेल लिया बंदे ने। ये रहा तेरी भैंस क्या, ओपी पहला किल हमारा पेन से भाई साहब। ए भाई पीछे से मारता है डुबड़ा, मैं पेन से मार रहा हूँ, तू मुझे गोली से मार रहा, शर्म नहीं आती तुझे। चलो यार यहाँ पे यार टाइम पास नहीं करते, आप लोगों को जो दिखाना था आई थिंक मैंने आप लोगों को दिखा दिया है।
ग्लुआल की स्किन भी आप लोगों ने देख ली एंड पेन की वाली स्किन भी आप लोगों ने देख ली एंड यार बंडल भी आप लोगों ने देख ही लिया। तो गाइज आप लोग जल्दी से कमेंट करके ये बता दो आप लोग ये बंडल कैसा लगा एंड ये पेन की स्किन आप लोगों को कैसे लगी। वैसे यार पेन की स्किन सीरियसली अच्छी है एंड एनिमेशन वगैरह आप लोग देख सकते हो अच्छा निकल कर सामने आया है। एंड यार ये बंडल का तो भाई क्या ही कहना। एंड इस बंडल का ये जो आप लोग विंग्स देख रहे हो ना गाइज, इस टाइप की विंग्स जल्दी हम लोग को बैकपैक के तौर पर डायमंड टॉपअप इवेंट में भी देखने को मिल जाएगी। तो बस भाई लोग वीडियो को भी एंड करते हैं। आई होप गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा एंड यार आज का लाइक एम रखते हैं 50 के लाइक एम। आई होप यार आप लोग कंप्लीट कर दोगे एंड गाइज मैं सब्सक्राइबर के अकाउंट पे डायमंड टॉप अप वगैरह करता रहता हूं, तो अगर आप लोग उस वाले गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो सिंपली आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो एंड यार यहाँ पर जितने भी लेटेस्ट पोस्ट दिख रहे हैं इसमें से किसी एक पोस्ट पर कमेंट कर दो अपना नाम और अपनी गेम की आईडी। जैसे कोई न्यू इवेंट आता है मैं किसी एक प्लेयर को सिलेक्ट करूंगा एंड उनके अकाउंट पर रेयर रेयर आइटम्स खरीद कर मैं दे दूंगा। तो यार गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना। तो चलो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट।